दोस्तों आज की कहानी है ननन जी, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं बन सकती पर माँ जैसा प्यार देने की कोशिश जरूर करूँगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। भाभी चाय पीने का बड़ा मन है, आप भैया के लिए बनाओ तो मेरे लिए भी एक कप बना देना, साक्षी ने धीमी आवाज में कहा और चुप हो गई। वंदना ने सुन लिया और कहा, साक्षी अभी तुम्हारे भैया को आने में समय लगेगा, इतना ट्रैफिक जो रहता है। आधे घंटे की कहते हैं तो आने में एक घंटा लग ही जाता है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। साक्षी ने फिर मना कर दिया, नहीं भाभी रहने दीजिए, बेकार ही आपको परेशानी होगी और फिर आपको भी तो काम रहते हैं। ठीक है, मुझे अपने काम छोड़ने की जरूरत नहीं है तो ऐसा करो तुम खुद ही चाय बना लो, एक कप मेरे लिए भी बना देना, मैं लैपटॉप पर अपना काम ख़त्म करके आती हूँ, फिर ननन भाभी साथ में मिलकर चाय पियेंगे। थोड़ी देर बाद साक्षी चाय बना कर ले आती हैं और खामोशी से पीने लगती है। उसका चेहरा उधरा देखकर वंदना से रहा नहीं जाता है, साक्षी ये घर तुम्हारा भी है, इतनी डरी डरी क्यों रहती हो, तुम्हें जब मन हो चाय बनाकर पी लो, कुछ भी खा लो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे अपनी मम्मी के घर में रहती थी वैसे ही हम से यहाँ भी तुम्हें रहना है। हम गुजरा वक्त बदल तो नहीं सकते हैं पर आने वाले वक्त को साथ में रहकर मिलकर अच्छा बना सकते हैं। अपने भाभी का प्यार भरा संप्रस पाकर साक्षी में जैसे जान आ गई, अभी कुछ महीनों पहले की ही बात है, उसके इन्हीं हाथों में मेहंदी सज रही थी और वह नवल की दुल्हन बनने की तैयारी कर रही थी। घर की लाडली बेटी साक्षी भी अपनी शादी के लिए बहुत खुश थी, मम्मी पापा और भैया भाभी उसकी शादी के लिए दिन रात लगे हुए थे। नियत समय पर बारात आई और साक्षी ने नवल के साथ फेरे ले लिए, सब बहुत अच्छे से हो गया पर विदाई के समय माहौल गमगीन हो गया, घर की रौनक ससुराल जो जा रही थी। साक्षी अब ससुराल ही तेरा असली घर है, मायका पराया हो गया है, तुझे अब ससुराल के रंग ढंग में ढलना होगा, ये घर अब तेरा नहीं रहा, माँ ने गले लगाकर समझाते हुए कहा। सबसे विदा लेकर साक्षी ससुराल आ गई। ससुराल में सब लोग बहुत ही अच्छे थे, नवल तो साक्षी को पत्नी रूप में पाकर बहुत ही खुश था। दोनों हनीमून के लिए पहाड़ों में चले गए और वहीं अचानक से नवल खाई में गिर गया और मौत के मुंह में समा गया। साक्षी की तो दुनिया ही उजड़ गई, ससुराल से वह वापस मायके आ गई। मम्मी पापा उसके जीवन से दुख कम करने के लिए कुल देवी के मंदिर गए, रास्ते में भयानक कोहरा था, बस का एक्सीडेंट हो गया और दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। साक्षी को बहुत बड़ा सदमा लगा, उसे लग रहा था कि पति के जाने के बाद कम से कम माँ के यहाँ तो सहारा मिल जाएगा। सारे कार्यक्रम करने के बाद साक्षी के भाई संदीप ने सारी जायदाद बेच दी, अब बहन साक्षी की जिम्मेदारी उस पर थी, वो बड़ा ही असमंजस में था। तभी वंदना ने कहा, संदीप तुम इतना सोच क्या रहे हो, अब साक्षी की भी जिम्मेदारी हमें
ही उठानी है, तुम साक्षी को भी हमारे साथ में सैर ले चलो। वो यहाँ अकेली किस किस भरोसे रहेगी, उसे हम इस तरह गांव में अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। वंदना, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी है, दोनों पति पत्नी साक्षी को अपने साथ शहर में ले आए। वंदना और संदीप दोनों शहर में रहते थे, साक्षी उनका घर देखकर दंग रह गई। दूसरा उसी हिस की साइड में थी, वो अपनी भाभी के साथ कभी ज़्यादा रही भी नहीं थी और उसके मुंह से यही सबके मुंह से यही सुनती आई थी कि माँ से ही मायका होता है, इसलिए वह भाभी के घर में डर डर कर रहने लगी थी। उसे गांव में रहने की आदत थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि इस तरह शहर में कैसे रहे। कुछ दिनों बाद संदीप कॉलेज का फॉर्म लेकर आया। अब तुझे आगे की पढ़ाई करनी है और अपना भविष्य भी बनाना है। साक्षी भी सब पिछला भूलकर अपनी पढ़ाई में लग गई और कुछ सालों में अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो गई। शहर में रहकर वह वहाँ के रहने के ढंग भी सीख गई। अब वंदना और संदीप उसकी शादी करना चाहते थे ताकि उसका भविष्य सुधार सके। उन्होंने लड़का देखना शुरू कर दिया और मनोज ने साक्षी को पसंद कर लिया, पर शादी से पहले उन्होंने लड़के वालों को साक्षी का बीता हुआ कल बता दिया। मनोज ने साक्षी को पसंद कर लिया तो और वह उसे सहने लगा था। आखिरकार फिर से घर में सहनाई बजी और साक्षी की शादी हो गई। जब साक्षी ससुराल जाने लगी तो वंदना ने उसे कुछ पेपर दिए। भाभी, इनकी क्या जरूरत थी? साक्षी जब अपने गांव का घर और जायदाद बेची तो उसके दो बराबर हिस्से कर लिए। एक हिस्सा तुम्हारे भैया का था तो एक तुम्हारे लिए रख लिया। इतने साल तुम हमारे साथ थी, छोटी थी, पर अब तुम भी समझदार हो गई हो और तुम्हें एक जीवन साथी भी मिल गया है, इसलिए अब तुम अपने हिस्से की जायदाद संभाल सकती हो। साक्षी, वह तुम्हारी माँ का घर था, तुम उसमें बराबर की हिस्सेदार थी। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, माँ तो नहीं बन सकती, पर माँ जैसा प्यार देने की कोशिश जरूर करूँगी। तुम मेरे लिए पराई नहीं हुई हो, आज भी ये घर तुम्हारा है, तुम जब चाहिए आ सकती हो। साक्षी अपनी भाभी के गले लग गई। मैं बड़ी नसीब वाली हूँ जो मुझे आप जैसी भाभी और भाई मिले। दोनों ने मिलकर साक्षी को हंसी खुशी विदा कर दिया।